बार बार बाप भी बदल लेते हैं, तो किसानों की औलाद बाप बदल बार बार बाप बदलने वाले हमारी औलाद नहीं है। मैं महाराष्ट्र से आया हूं, तो श्रद्धांजलि सभा के सभा में उपस्थित अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेता वीएम सिंह साहब और सभी अतिथि मान्यवर और बड़ी संख्या से उपस्थित सब किसान भाइयों बहनों और नौजवानों, राजू शेट्टी साहब निकले थे लेकिन फ्लाइट उनके हाथ में नहीं पकड़ी गई इसलिए वो आ नहीं पाए, उनके प्रतिनिधि के रूप में हम यहाँ आए हुए हैं। अभिक शाह जी ने बोला कि हम घर वापस आए ऐसा हमें लग रहा है, तो साल भर में 3-4 बार तो इधर आना होगा हमारा सबका। देखो सब मामा के ऊपर बोले, मोदी के ऊपर कोई बोला नहीं, कि मोदी सरकार को लाने में हम भी थोड़े बहुत पापी हैं। आशीष मित्तल साहब कह रहे हैं, वो बहुत सही बोल रहे थे, जो है वो है, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में हमारा स्वाभिमानी किसान संगठन, हम मोदी जी के साथ में थे। पहले सरकार ने गोलियां चलाई, जैसे यहां पे 6 शहीद हुए हमारे महाराष्ट्र में, हमारे आंदोलन में भी बहुत सारे लोग शहीद हुए, तो हमको लगा कि नई सरकार लाके देखते। मोदी जी ने हमको फंसाया, श्री श्री रविशंकर जी के उपस्थिति में और स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी के उपस्थिति में हमारा एक मीटिंग हुआ और कमल वाली बाई के साथ में हमारी शादी हो गई। शादी के समय कमल वाली बाई बोले, क्या होना? हमने बोला किसानों को 1.5 गुना समर्थन मूल्य होना, कर्ज मुक्ति होना, राष्ट्रीय दुष्काल निवारण आयोग होना, किसानों को पेंशन होना। राजू शेट्टी साहब ने बोला मोदी जी कैसा, मोदी जी बोले आप बोलेंगे वैसा। और शादी के टाइम में कमल वाली बाई सब हाँ बोल रही थी, शादी होने के बाद में नजदीक भी नहीं आने दे रही थी। किसान एक्टर, हमें लगा कि नई नई शादी हुई है, शर्माती होंगी। 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल के बाद में हमको मालूम गिरा कि शादी हमारे से की और लफड़ा दूसरे से किया। फिर बाद में हमने डिवोर्स लिया, फिर बाद में हमको मालूम गिरा कि ये खाली मीठी मीठी बातें करते हैं, ये बीजेपी वाले कितने डेंजर है हमको मालूम गिरा। हमारे महाराष्ट्र में भी अभी बीजेपी वालों की शिवसेना से युति है, वो कमल वाले भाई ने शिवसेना से शादी कर ली, झगड़ा दोनों का रोज होता रहता है लेकिन लफड़ा दूसरे से हुआ है। चाराने का मसाला बाराने की कोमड़ी, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फूटा बाराने का, ऐसे बीजेपी वालों की बात है। मैं तो बार बार बहुत बार कहता हूं कि बीजेपी वालों को जैसे शादी होने के बाद में बूढ़े होने तक लड़का होता नहीं, 70 साल में बीजेपी वालों को लड़का होगा इसलिए वो होश में नहीं है। ये भगवान के पास में जाए, ओ भगवान के पास में जाए, हमारे महाराष्ट्र में उसको नवस बोलते हैं। और बूढ़े मन में छोकरा होने के बाद में आदमी का हाल कैसा होता है अपने को सबको मालूम है, ऐसे ही बीजेपी की अवस्था है। मैं भी ये बीजेपी के गवर्नमेंट में 2.5 साल था, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री मेरी तरफ थी, बहुत अच्छा लग रहा था, उन्होंने मुझे सिक्योरिटी दी थी, सब दिया था, बंगला दिया था, गाड़ी दिया था, फलाना दिया था, 2 मिनिस्ट्री हमको दिए थे। लेकिन जैसे हमको मालूम गिरा कि नरेंद्र मोदी का सरकार है, किसानों के हित का सरकार नहीं है, ये टाटा बिरला अंबानी का सरकार है, वैसे ही हमारे 2 मिनिस्टर थे, मैं और एक दूसरे, तो दूसरे मिनिस्टर बीजेपी में चल गए, मैंने 1 साल पहले इस्तीफा दे के हम किसानों के साथ में रहे। किसान, हम सब लोग जो मंच पे बैठे हुए हैं ये आपकी वजह से है। अभी तुम्हारा चुनाव नजदीक आया है,
अभी हिंदू मुसलमान के दंगे होंगे, चुनाव के पहले हिंदू भी खतरे में आता है और मुसलमान भी खतरे में आता है। कोई तो भी बोलता है हिंदू खतरे में है, दिल्ली से कोई तो भी बोलता है कि इस्लाम खतरे में है। अरे आप सब जाति धर्म के लोग एक गांव में रहते हैं, लेकिन हम रोज झगड़ते नहीं है। चुनाव के पहले हिंदू कैसे खतरे में आता है? हिंदू के लड़के तलवार निकालते हैं, मुसलमानों के लड़के तलवार निकालते हैं, दंगे होते हैं, रक्तपात होता है। कोई हिंदू खतरे में नहीं, कोई मुसलमान खतरे में नहीं, ये चूतियों की खुर्ची खतरे में है। ये सब हार्मफुल लोग हैं, इनकी खुर्ची खतरे में है, इसलिए सब दंगा फसाद होता है। भाइयों, पुराने पत्रकार ने मुझे पूछा, बोले पिछली सरकार अच्छी थी कांग्रेस की कि बीजेपी की सरकार अच्छी है? मैंने बोला मैं तो कुछ तराजू लेके घूमता नहीं हूं, मैं कैसा बोलूं। लेकिन मैंने उसको बोला, एक बच्चा गली में पिशाब कर रहा था, पति पत्नी जा रहे थे, वो तीर्थ यात्रा के लिए पैर पर जा रहे थे। उन्होंने बच्चे को बोला, अरे तू इतना बड़ा हो गया गली में पिशाब कर रहा है, तुझे समझता नहीं क्या? वो बच्चा जरा बच्चा बोला पति पत्नी को, मैं गली में पिशाब करूंगा नहीं तो कहां करूंगा, गली तुम्हारे बाप की है क्या? वो पति पत्नी को बुरा लगा। उन्होंने एक दुकानदार को पूछा, लड़का किसका है? बोले गणेश भाई का बच्चा है। तो पत्नी पति को बोली कि इसके ऊपर संस्कार अच्छा नहीं है। तो बोले चले अपन दोनों उसके बाप को जाके बोलते हैं कि तुम्हारा बच्चा ऐसा उल्टी सीधी बातें करता है, उसके ऊपर संस्कार अच्छे करो। दोनों पति पत्नी गए और गणेश भाई के घर के पास में गए, तो पास में जाने के बाद में चित्र ऐसा था कि गणेश भाई घर के ऊपर से पेशाब कर रहे थे। बच्चा गली में कर रहा था। वही पत्रकार को पुणे के मैंने बताया, वैसे हमारी अवस्थाएं, पिछले वाले गली में पेशाब करते थे, ये घर के ऊपर से पेशाब करते हैं। अब हम न्याय मांगे किससे? हम न्याय मांगे किससे? हम बात किससे करें? और जो भी सरकार के खिलाफ में बोलता है, मुझे डॉक्टर सुनीलम साहब अभी बोल रहे थे कि आराधना जी के ऊपर बहुत सारे मुकदमे दर्ज किए हैं। ये जो मंच पर सब बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने पूरी जिंदगी किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, खेत मजदूरों के लिए दी हुई है। एक साल दो साल देना बात अलग है, लेकिन पूरी जिंदगी लोगों के लिए देना ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अहम बात है। ताली बजा लीजिए साहब। वैसे तो अपन कभी भी ताली बजा लेते हैं। यहाँ पे कोई कह रहा था कि डॉक्टर सुनीलम साहब को क्या क्या सजा लग गई तो लोग ताली बजा रहे थे। छह लोगों को गोली मार दी पिछले साल तो लोग तालियां बजा रहे। अपने को मालूम ही नहीं कब ताली बजाना और कब क्या करना है, इसलिए तो अपने पूरे बांधे हो चुके हैं। ये सरकार के खिलाफ में जो भी आदमी आवाज उठाता है, उसको लाल प्रसाद का फोटो दिखाया जाता है। सरकार के खिलाफ में कोई बात करे तो उसके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उसको जेल में डाला जाता है। मैं अभिनंदन करता हूं कि मंदसौर के किसानों के बच्चों का छह लोगों को गोली मारने के बाद में भी आप डटे हैं और ये संघर्ष करने के लिए खड़े हैं। मैं आपको सलाम करता हूं। अमर रहे। और जो किसानों के पुत्र शहीद हुए हैं, मोदी जी से मैं आह्वान देता हूं, मोदी जी आने वाला युद्ध भारत पाकिस्तान नहीं होने वाला है, आने वाला युद्ध भारत चीन नहीं होने वाला है, आने वाला युद्ध इंडिया विरुद्ध भारत होने की दाग शक्यता है। इनका जो बीजेपी का एजेंडा है वो शहर का विकास करने का एजेंडा है। मेट्रो सिटी हमारे नागपुर में डॉक्टर सुनीलम जी नजदीक है, गडकरी साहब ने जितने पुल है उतने गिरा दिए और फिर से पुल बनाए, क्योंकि उसमें 40% कमीशन मिलता है, कमीशन खाने के लिए रास्ते बना रहे। लेकिन जो किसान के भरोसे सब लोग जी रहे हैं, मोदी जी जो रोज खाते हैं अन्न, उनका अन्न का कण कण हमारे मां बाप के पसीने से आया हुआ है, ये उन्हें भूलना नहीं चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि मोदी जी हिटलर का दूसरा रूप है। मोदी जी ऐसा भाषण करते थे पहले तो लोग बड़े गौर से सुनते थे। हमारे विदर्भ में आकर मोदी जी ने बोला 125 करोड़ देशवासियों, सोयाबीन को भाव मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए?
नहीं मिलना चाहिए, ठोकने के लिए तो बैठा हूं मैं ऊपर। भाई और बहनों, ऐसा बोलने के बाद में ऐसा लगता था कि अपना सगा भाई है ये और अपन एक ही मां के पेट से आए हुए, अपने को ऐसा लगता है कि राम अवतार आने वाला है, राम राज्य आने वाला है। ऐसा भाषण देता था मोदी, लोगों को रुलाता था, खुद भी रोता था। हिटलर वही ऐसा ही करता था। हिटलर का हिस्ट्री आप पढ़ो, हिटलर भी भाषण देते समय लोगों को रुलाता था। हिटलर जब चुन के हिटलर के पास में सत्ता जब आ गई तो हिटलर ने सबसे पहले झाड़ू हाथ में लिया था, मोदी सबसे पहले सत्ता में आने के बाद में झाड़ू हाथ में लिया। लेकिन मोदी जी आपको मालूम नहीं, हिटलर ने आत्महत्या की थी, आप क्या करेंगे? आपके एक एक साथीदार तो देश छोड़कर भाग रहे हैं। नीरव मोदी 11,500 कोटी भाग गया, ललित मोदी, विजय मल्या, इनका और मोदी जी का करार हुआ था कि तुम इलेक्शन में मुझे पैसा दो, हम सत्ता में आने के बाद में एक एक करके भाग जाओ, जनता चूते हम चूते बनाएंगे। ये अपने ध्यान में कब आएगा? और इसलिए मैं सब किसानों को बेटे को कहता हूं, हमारे महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी महाराज के नाम के ऊपर वोट लिए, हम सब शिवाजी महाराज के वंशज हैं। शिवाजी महाराज का फोटो 2014 में दिखा बीजेपी वालों को, जब तक शिवाजी महाराज याद नहीं आए। शिवाजी महाराज के नाम से उन्होंने घोषणा दी, शिव छत्रपतिचा आशीर्वाद चला दो मोदी ना साथ, शिव छत्रपतिचा आशीर्वाद चलो देंगे मोदी को साथ। मैं आज या इस शहीद दिन के अवसर पर एक नया नारा लगाना चाहता हूं, शिव छत्रपति का आशीर्वाद मोदी के पीठ में देंगे लाख, ये नया नारा आज चिंताबाद। और ये आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए अपन यहां पे आए हुए हैं। क्यों छह किसानों को, किसान के बेटे को गोलियां मारने की सरकार की हिम्मत क्यों हुई? इसका एक ही कारण है कि तुम्हारी हमारी पॉलिटिकल वोट बैंक नहीं है। जब तक किसानों की पॉलिटिकल वोट बैंक खड़ी नहीं होती तब तक कोई पार्टी वाला तुमसे डरेगा नहीं। आज यहां हमारा भाषण सुन के तुम तालियां बजाएंगे, कल राहुल गांधी का भाषण सुन के तुम तालियां बजाएंगे, फिर शिवराज चौहान आएगा तो फिर से तुम तालियां बजाएंगे, हर सभा में जाएंगे। मैं आते आते 2-3 गांव में गया, लोग बोले तुमने कल का उपवास क्यों रखा, कल तो राहुल गांधी के सभा में हम जाने वाले हैं। मतलब क्या है? जब तक हमारी कॉन्क्रीट पॉलिटिकल वोट बैंक नहीं होती, यहां पे अधीक शाह जी ने बोला कि किसानों की पॉलिटिकल वोट बैंक होनी चाहिए। हमारे नेता राजू शेट्टी जी को 4 बार लोग चंदा जमा करके संसद में क्यों भेजते हैं? राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने एक भाषण में बोला था कर्नाटक बंगलोर में कि कौन कहता है लोकतंत्र धोखे में है, यहां तो राजू शेट्टी जैसे किसान के बेटे को चंदा जमा करके लोग संसद में भेजते हैं, यह लोकतंत्र जिंदा है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? यह गांव से कोई किसान का बेटा है कि अपन खड़ा क्यों नहीं कर सकते? यह सोचना चाहिए 2019 के इलेक्शन में। और एक बात के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, बीजेपी वालों, मैं तो बिल्कुल पूरे विश्वास से कहता हूं, ईवीएम मशीन के ऊपर वीएम सिंह जी अपने को ध्यान देना होगा। अब आप बोलेंगे ये तो तुम हवा में बात कर दिए, मैं बुलढाणा जिले से आता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज के मम्मी का मायका मां जिजा माता, हमारे यहां पे 1 साल पहले जिला परिषद का इलेक्शन हो गया, सुल्तानपुर जिला परिषद जो घर था उसमें कोई भी बटन दबाया कि मतदान बीजेपी को जाता था। फिर हमने कलेक्टर को बुलाए, कलेक्टर ने भी वोटिंग करके देखा तो उसको मतदान बीजेपी को जाता था, कलेक्टर ने वो इलेक्शन रद्द करवाया और चुनाव आयोग को लिखा कि कोई भी बटन दबाया कि बीजेपी को वोटिंग जा रहा है, फिर से वो चुनाव लिया। ये हमारे यहां की हकीकत है। अगर जिला परिषद के चुनाव में अगर ऐसा हो सकता है तो लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन में ये क्यों नहीं हो सकता, ये मेरा कार्यकर्ता बोल के सवाल है। आगे की लड़ाई किसानों के हक की लड़ाई लड़ते लड़ते सभी पार्टियों ने ईवीएम मशीन के खिलाफ में लड़ाई लड़नी चाहिए, यह हमारी आज की मांग है, यह जनसभा यह मांग करती है। दूसरी बात, श्रीदेवी गुजर गई, दारू पी के गई तो उसको सरकारी सलामी दिए, और 6 किसान मर गए तो उनको शहीद का दर्जा नहीं दिए, यह सरकार हमको नहीं होना। शिवराज मामा को यहां पे बोला किसने तो भी कि मामा को मामू बनाओ,
मामा को मामू बनाने की जरूरत है और ये सब अपने हाथ में है। किसान ठहराएगा तो सब कुछ होगा। जाते जाते एक बात मैं आपको बोलता हूं, तुम यहां पे संघर्ष कर रहे हैं और ये नेता लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। एक साल के अंदर कुछ भी हो सकता है। जस्टिस लोहिया का मर्डर हो सकता है, गौरी लंकेश का मर्डर हो सकता है, हमारे महाराष्ट्र में गोविंद पानसरे का मर्डर हो सकता है, नरेंद्र दाभोलकर का मर्डर हो सकता है, तो किसका कुछ भी हो सकता है, ध्यान में रखो। इसलिए आप अपने को सबको इकट्ठा रहना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, एक जाते जाते एक उदाहरण मैं आपको बोल के मेरे शब्दों को विराम देने वाला हूं। भगत सिंह जब फांसी पे जा रहे थे, मैं जो किसान के बेटे शहीद हुए हैं उनके परिवार से भी परिवार का मैं मुझे बहुत गर्व भी महसूस होता है कि यहां पे ताई ने बोले कि मीडिया वाले सब इंटरव्यू ले रहे थे तो किसी के आंखों में आंसू नहीं आए। उन्होंने अभिमान से बात कही। जब भगत सिंह फांसी के फंदे पर जा रहे थे तो उनकी मां ने उनको गले लगाए, उनकी मां के आंसू उनके कंधे पे गए। भगत सिंह ने बोले, ये मां तो भगत सिंह की मां है, तो ऐसे तैसे की मां नहीं है। अगर तेरे आंखों के आंसू जनता देख लेगी तो कोई मां अपना बच्चा ये स्वतंत्रता के आंदोलन में भेजेगी नहीं। इसलिए मुझे अभिमान है, भगत सिंह की मां ने जन समुदाय को बोला कि मेरा बच्चा, मेरा पेट का बच्चा अगर फांसी के फंदे पे जाता है और जाने के बाद में इस देश का सामान्य नागरिक सम्मान से जिएगा तो मुझे मेरा बच्चा गया उसका मुझे कुछ दुख नहीं है। ये बोलने वाली भगत सिंह की मां थी, इसलिए अंग्रेजों से अपने स्वतंत्रता मिला, ये बात ध्यान में रखो। मैं आपको सब माताओं को विनती करता हूं कि अपना एक एक बच्चा ये किसानों की आजादी की लड़ाई में आपको क्रांतिकारक बोल के देना होगा। सुभाष बाबू ने कलकत्ता में मीटिंग लिए, अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ने के लिए हथियार लाए थे, उन्होंने झोला करे पैसे मांगे, लोगों ने पैसे दिए, गहने दिए, माताओं ने हमारे गहने दिए। एक 70 साल की बुढ़ी मां आ गई, हाथ में लाठी थी, वो मां आ गई और बोली, मेरे पास में तो गहने नहीं है, जवार भी नहीं है, कुछ मेरे पास में खेती नहीं है, मेरे पास में कुछ नहीं है। तो सुभाष बाबू ने उनके दर्शन लिए और आशीर्वाद देने का बोला, तो 70 साल की मां ने बोला, सुभाष बाबू ऐसा आशीर्वाद देने से कुछ नहीं होता है, मैंने 18 साल का मेरा पोता साथ में लाया है, ये पोता चंदा बोल के मैं आपके लड़ाई में दे रही हूं, ये मेरा पोता गया ऐसा मैं समझ रही हूं, ये किया इसलिए स्वतंत्रता की लड़ाई हम जीत गए हैं। इसलिए मैं सब किसान को बेटे को बच्चों को कहता हूं, 100 दिन हिंदुओं की जिंदगी जीना, 100 दिन कोई नेता लोगों के आगे पीछे करके जिंदाबाद मुर्दाबाद करना ये बातें छोड़ दो, 10 दिन जियो, ये 6 शहीदों के जैसे जियो। आदमी कैसा जीता है ये अभी भी भारत के अंदर एक बात तो बहुत अच्छी है, यहाँ पे पैसे वालों की कीमत नहीं होती है। अगर पैसे वालों की कीमत होती है तो यहाँ टाटा बिरला अंबानी के फोटो लगते हैं, यहाँ पे त्याग समर्पण और बलिदान की पूजा होती है, इसलिए शहीदों की पूजा यहाँ पे होती है। और इसलिए मैं आपको सबको कहता हूं कि आप ये लड़ाई, ये मंदसौर से निकली हुई चिंगारी, ये खाली मंदसौर और मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, ये मंदसौर की क्रांतिकारी चिंगारी पूरे देश में बदलाव लाने के लिए आज की आपकी श्रद्धांजलि सभा है। मैंने थोड़ा ज्यादा वक्त लिया इसलिए मैं माफी चाहता हूं और सभी किसान पुत्रों को मैं आह्वान करता हूं कि राह में खतरे बहुत है ठहरता कौन है, राह में खतरे बहुत है ठहरता कौन है, मां कल क्यों आ जाए डरता कौन है, तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूं मगर फैसला मैदान में होगा मरता कौन है, फैसला मैदान में होगा मरता कौन है। जय